नमस्कार, माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के पांचवें चरण के दौरान 10 जिलों में वोटिंग होनी है। इस दौरान 27 फरवरी को हंडिया विधानसभा सहित कुल 60 विधानसभा सीट पर वोट डाले जाएंगे। ऐसे में पांचवें चरण का 27 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने जनसंपर्क तेज कर दिया है। प्रत्याशी मतदाताओं के पास घर घर जाकर अपनी प्राथमिकता बता रहे तथा चुने जाने के बाद क्षेत्र का विकास का दावा कर रहे। जिला प्रयागराज हंडिया विधानसभा चुनाव के महासमर के बीच सभी पार्टियां क्षेत्र में सक्रिय नजर आ रही है। जैसे जैसे चुनाव की तिथि नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे सभी पार्टी के प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ क्षेत्रों में पहुंचकर जनसंपर्क कर लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। इसी क्रम में 258 विधानसभा हंडिया से बसपा प्रत्याशी नरेंद्र कुमार त्रिपाठी मुन्ना ने अपने समर्थकों के साथ ग्राम सभा बमैला, चंदापुर, बजहा, मिश्रान, धीसापुर, हंडिया, जंघई रोड, जामा मस्जिद आदि क्षेत्रों में पहुंचकर जनता से जनसंपर्क की तथा पार्टी की नीतियों को अवगत कराते हुए स्वयं पक्ष में मतदान करने की अपील की। वहीं नरेंद्र कुमार त्रिपाठी मुन्ना ने कहा कि जिस तरह हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है, अगर 27 तारीख को हंडिया की जनता का आशीर्वाद मिला तो हंडिया की जनता को हर समस्या से निजात दिलाऊंगा। खास रिपोर्ट माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज से पुरुषोत्तम मिश्रा, हंडिया, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद,